नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मॉर्निंग से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लीनिंग का ब्लॉग। मैं किस तरह से क्लीनिंग की हूँ, आज डीप क्लीनिंग की हूँ, सारे कपड़े का वॉश की हूँ, वो सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। चलिए आगे देखिए कि मैं क्या शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और आज मैं मॉर्निंग से फिर से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और सुबह में मैं आ गई हूँ किचन में अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और अभी मैं आलू और पालक की सब्जी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी, चटनी बनाऊँगी। फिर लंच के लिए क्या बनाऊँगी अभी डिसाइड नहीं है, वो ये इनसे पूछूँगी तो वो बताएँगे तब मैं बनाऊँगी, नहीं तो ये सब्जी वगैरह फिर भेजेंगे और भी कि ये बनाओ वो बनाओ, तो मैं बनाऊँगी। और आज सुबह से ही बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा घर में काम हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज मैं कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। क्योंकि पानी का दिक्कत हो गया था, पानी चला नहीं रहा था, जो सप्लाई का पानी आता है नगर निगम का, वो पानी अच्छा से दे नहीं रहा था, कभी बंद कर दे रहा था, कभी दे रहा था तो वही 15-20 मिनट के लिए दे रहा था। इसके कारण से पानी का दिक्कत हो गया था और सभी फैमिली लोग थे, और पानी नहीं रहने के कारण कितना दिक्कत होता है, सभी लोग को स्नान करना रहता है, कपड़ा वगैरह वॉश करना रहता है, घर का क्लीनिंग करना रहता है, लेकिन कुछ भी हम लोग कर नहीं पा रहे थे, आधा अधूरा काम के रह रहे थे। और सभी लोग कल चले गए, मेरी ननद लोग चली गई है, और आज मैं अपना सारा कपड़ा वगैरह वॉश करूँगी। बहुत सारा कपड़ा निकला हुआ है, जहाँ देखिए वहाँ कपड़ा ही कपड़ा है, और मुझे आज कपड़ा धोना है। और मेरी ननद लोग रहती थी तो मेरी सासू माँ का सेवा भी कर लेती थी, सभी कुछ उनका तेल वगैरह लगा देती थी, पैर सेक देती थी, घाव का सफाई करके उसमें दवा, मतलब वो सारा मैं आज मॉर्निंग से कर रही हूँ। सुबह में मैं उठी हूँ तो उनको सारा, उनका पहले सेवा की हूँ, सारा चीज़ कर दी हूँ, उनको पैर में सेकाई कर दी हूँ, दवा लगा दी हूँ हाथ में, और उनको नाश्ता वगैरह दे दी, दवा दे दी। और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, 2 बार चाय बना करके दे दी हूँ। अब मैं आगे का काम करती हूँ, पहले ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और उधर मशीन भी लगा दी हूँ, उधर कपड़ा वगैरह धोने के लिए डाल दी हूँ, और कपड़ा वह अभी चल रहा है, उसमें से निकाल निकाल के उधर भी भाग दौड़ कर रही हूँ, उधर जाके कपड़ा निकाल के रख दे रही हूँ। और उसके बाद किचन में अपना आके अपना खाना वगैरह बना रही हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। जब ब्रेकफास्ट बन जाएगा उसके बाद कपड़ा वॉश करूँगी, घर का क्लीनिंग करूँगी। आज बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, और देखिए कब मैं काम ख़त्म करती हूँ। आगे का ब्लॉग में देखिए मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर करती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहें और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें, और प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, घर की काम भी करना रहता है, और ऊपर से वीडियो में भी मैं डेली मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह क्या करती हूँ। और इसके साथ साथ काम करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, और शाम को वीडियो एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद अपलोड करती हूँ, फिर डालती हूँ, बहुत समय इसमें जाता है, मैं अपना खुद का ख्याल कुछ भी नहीं रख पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें और मेरे वीडियो को वॉच करें, फुल वॉच करें प्लीज। मैं दिखाऊंगी कि जब घर में पानी नहीं चलता है, जब पानी वाला जब जो सप्लाई का पानी है वो नहीं आता है तो कितना दिक्कत हो जाता है। देखिए आज मैं मशीन लगाई हूँ, इतने सारे लोग आए थे और पानी का इतना कमी हो गया था, बीच में पानी भी नहीं चला रहा था, और इसके कारण सारा कपड़ा इधर उधर फेंका हुआ है। और आज मुझे सारे को वॉश करना है, यहाँ देखिए सारे बेडशीट निकले हुए हैं, सारे घर में कपड़े कपड़े हैं, और आज मुझे सारा सफाई करना है। ये सारे टंगना पर ये सब रखा हुआ है, सब नहा नहा कर सब निकाल निकाल कर ये कपड़ा रख के और छोड़ दिया है लोग, अब सभी को मैं वॉश करूँगी। आज दिन भर सफाई में लगने वाला है। देखिए यहाँ भी एक बेडशीट फेंका हुआ है, यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है, सारा कपड़ा गंदा रखा हुआ है। अभी देखिए देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, आज सारे कपड़े को मैं निकाली हूँ, अब सभी को वॉश करने जा रही हूँ, जितना भी कपड़ा है सारा निकल के रखा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है। देखिए इनका कपड़ा सारा, सभी को मैं आज वॉश करने जा रही हूँ। आज आप लोगों को क्लीनिंग का व्लॉग मिलेगा। आप फोन कर रही है कि आ जाओ एक बार घूमने के लिए यहाँ पर, मेरे घर में भी छठ हुआ था, और वो बुला रही है कि आओ भाभी से मिल लो और यहाँ पर मिल लो, और क्योंकि मेरी माँ को गांव जाना है
और इसलिए वो बुला रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि यहाँ तो अभी छोड़ के नहीं जा सकती, सासू माँ को भी अकेले नहीं छोड़ के जा सकती, क्योंकि उनका देखभाल करना है। और मेरी ननद लोग कल 4 बजे निकली थी, और 4 बजे निकली और वहाँ 11 बजे तक अपने घर में पहुँच गई है आराम से। वो लोग कॉल की थी, और जब कोई जाता है गाड़ी से तो टेंशन होते रहता है कि वो लोग अच्छा से पहुँच जाए, बच्चे लोग को लेके जाते हैं तो वो लोग पहुँच गए हैं, और मॉर्निंग में भी बात हो गया है, वो लोग अच्छा से अपना घर में पहुँच गई है और वहाँ पर है अब सभी लोग। और मेरी देवरानी कल मायके से आएगी और उसके बाद 2-4 दिन रहेगी, उसके बाद वहाँ जमशेदपुर वो चली जाएगी। देखिए और आगे के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ क्या क्या शेयर कर सकती हूँ, चलिए ब्लॉग में। यहाँ पर देखिए मैं आलू और पालक का सब्जी बनाने जा रही हूँ। आलू कट करके रखी हूँ और पालक को भी साफ करके काट कर रख दी हूँ, और मैं कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ, और ये मॉर्निंग में बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पर मैं किचन की क्लीनिंग कर रही थी, गैस पोछ रही थी और सारे स्लेब को साफ कर रही थी, और सारे साफ करके किचन भी धोना है और किचन को धो दूँगी, और उसके बाद और ब्रेकफास्ट के लिए रोटी भी बनाना है और सब्जी बन रहा है। इस तरह करके मैं अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ, और आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, क्योंकि मेरी लड़की जो है, मेरी बेटी, वो चली गई है पढ़ने के लिए, बड़ी वाली भी और छोटी वाली भी, वो लोग भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देती, लेकिन वो लोग नहीं हैं आज, सभी लोग चले गए हैं, और बाबू भी गया है पढ़ने के लिए ट्यूशन, और इसी तरह मैं अकेली हूँ, मैं और मेरी सासू माँ हैं घर में, और हम लोग जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं, निपटा रही हूँ, सासू माँ रेस्ट कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए सारे रूम बिखरे हुए हैं, सारा बेड गंदा पड़ा हुआ है, सब सोकर मॉर्निंग में उठे हैं और सभी अपने अपने काम पर चले गए हैं। अब मैं यहाँ पर रूम में का सारा कपड़ा सिला रही हूँ, और सारे काम को मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन जल्दी होने वाला नहीं है, बहुत ही टाइम लगने वाला है। जल्दी जल्दी मैं सारे काम को कर रही हूँ, आज बहुत ही लेट होने वाला है, क्योंकि सारा काम बिखरा हुआ है और जल्दी जल्दी करने से भी जल्दी होने वाला नहीं है, टाइम लगेगा ही। और अभी ठंड का मौसम आ गया है, सभी लोग रजाई कंबल सभी लेकर के सोते हैं, और सारे इसी तरह छोड़कर चले जाते हैं, और सारे को मुझे रखना रहता है इधर उधर, सारे फोल्ड करके मैं रखूँगी सब सरिया करके। और उधर मैं सरिया करके आई हूँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ, यहाँ पर किचन में रोटी सब्जी बना दी थी, रोटी बनाना बाकी था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी रोटी यहाँ पर बना रही हूँ। बाद भी बहुत सारा काम है, अभी बाबू को भी ब्रेकफास्ट करवाना है, और उसके बाद सासू माँ को देना है, उनको स्नान करवाना है, अभी बहुत सारा काम है। यहाँ देखिए रोटियाँ बन गई है, अब मैं सभी को रख दूंगी रोटी को, और उसके बाद आगे का जो काम है वो करूँगी। और यहाँ देखिए मेरी सब्जी भी बनकर रेडी हो गया है, इसे भी मैं रख दी हूँ, और उसके बाद सारे रूम को मैं धो रही थी, रूम जहाँ 5-6 रूम है, और आज मैं 5-6 रूम तो नहीं धोई, लेकिन 3 रूम और 4 रूम धोई हूँ, और किचन भी धो दी हूँ, और आंगन भी धोई हूँ, सारा आज बहुत सारा धोना था, क्योंकि सभी लोग थे और पानी भी नहीं था,
तो मैं धो नहीं पा रही थी, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था, इसलिए मैं सोची कि आज बढ़िया से धो दूँ, अच्छा से सफाई कर लूँ। इस तरह से एक बार धो देने के बाद बहुत दिनों तक साफ रहता है, उसके बाद पोंछ दिया जाता है। मैं आ गई हूँ नहा करके, आज मैं हेयर वॉश की हूँ और अभी सारे कपड़े धोते धोते और घर की क्लीनिंग करते करते बज गया है एक, और एक बज गया और मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक हुआ नहीं है। सुबह मैं 2 बार चाय पी ली थी और थोड़ा सा सेव एक खा ली थी, और उसके बाद अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। इतना थक गई हूँ कि मुझे अब कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद कुछ खाऊँगी। और ये आ गए हैं, इनको पहले खाना खिला लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी रेस्ट करने और उसके बाद कुछ खाऊँगी। थकने के बाद कुछ खाने का भी इच्छा नहीं करता है। और चलिए अभी मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।